तो दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे इंडिपेंडेंट हाउस दोबारा से तैयार कर दिया, नई कंस्ट्रक्शन के साथ, जमीन भी आपकी और आसमान भी आपका। अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें 3 BHK का फ्लैट दे दीजिए या उसका कोई सब्स्टिट्यूट दे दीजिए इंडिपेंडेंट हाउस न्यूली कंस्ट्रक्शन के। तो हमने आप लोगों के लिए ये इंडिपेंडेंट हाउस रेडी कर दिया है, 3 BHK का ये आपका इंडिपेंडेंट हाउस होने वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे पूरा आयरन का गेट दिया हुआ है हमने, और साथ ही साथ 4 फीट की हाइट की पूरी टाइल्स दी है पार्किंग एरिया में। यहाँ पे आप अपनी एक 4-व्हीलर और एक 2-व्हीलर बहुत ही इजीली पार्क कर सकते हैं। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये हमारा सेक्शन आ जाता है लिविंग कम डाइनिंग एरिया। इसमें आप या फिर अपना डाइनिंग एरिया बना सकते हैं या फिर लिविंग एरिया बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही खूबसूरत हमने यहाँ पे आपको फ़ैन दिया है, शैंडलर फ़ैन दिया है। और उसके थोड़ा सा आगे चलेंगे एक बिग साइज़ का आपका आ जाता है किचन। अगर आप शौकीन हैं अच्छा और बढ़िया टेस्टी फूड खाने के लिए, तो आपकी वाइफ ने यहीं पे ही आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना आपके लिए बनाना है। तो ये आ गया एरिया थोड़ा सा फ्रिज एरिया, जो हमने रेफ्रिजरेटर एरिया छोड़ा हुआ है। अब बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे हमने विंडो दे दिया है ताकि आपको किसी तरह की ह्यूमिडिटी फेस ना करने को मिले, आपको पूरा वेंटिलेशन का स्कोप रहे। यहाँ से थोड़ा सा आगे देखेंगे, ये हमने एक सेक्शन दे दिया जहाँ पे आप अपना स्टोर रूम बना सकते हैं। किसी भी तरह का एक्स्ट्रा सामान है जो आप अपना यहाँ पे बहुत ही आराम से रख सकते हैं। तो यहाँ से आगे आ गए तो ये आ गया हमारा एक बिग साइज का बड़ा वाला फर्स्ट बेडरूम। तो फर्स्ट बेडरूम है दोस्तों, आप देखेंगे आपको एक अलमीरा दे दी, साथ ही साथ फ्रंट साइड में हमने यहाँ पे 65 इंच का आपको LED पैनल लगा के दे दिया। साथ ही साथ आपका ये वॉशरूम आ गया, अटैच वॉशरूम, और एक छोटा सा स्पेस दे दिया हमने आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा वॉशिंग स्पेस। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको आपके खुद के जड़ से बने हुए इंडिपेंडेंट हाउस में। तो अब हम चलते हैं स्टेयर्स पे होते हुए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अब यहाँ पे आ गया ये आपका कम्प्लीटली एक लिविंग एरिया, मतलब 2 लिविंग एरिया हो गए आपके। यहाँ पे भी आप L टाइप का अपना पूरा सोफा सेट प्लेस कर सकते हैं, सामने आप चाहे LED पैनल लगा सकते हैं। और यहाँ से हमें 2 बेडरूम और मिल जाते हैं, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आएंगे तो एक अटैच वॉशरूम मिल गया आपको और एक बड़ा वाला बेडरूम मिल गया, जिसमें देखेंगे फॉल सीलिंग वर्क कम्प्लीटली हो रखा है। नया घर है जड़ से बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस। ये आ गई आपकी बालकनी, बालकनी देखेंगे और स्ट्रीट व्यू देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत आपका एकदम शांत एटमोसफेयर वाला अपना इंडिपेंडेंट हाउस हो गया दोस्तों। अब हम राइट साइड वाला अपना रूम देखेंगे तो ये भी काफ़ी बिग साइज का देखेंगे, वॉलपेपर खूबसूरत सा वॉलपेपर लगा हुआ है। इसमें भी हम आपको अटैच वॉशरूम का ऑप्शन दे रहे हैं, और ये एक शाफ्ट एरिया आ गया जहाँ से आपको इस बेडरूम में किसी तरह की घुटन या ह्यूमिडिटी फेस करने को नहीं मिलेगी। तो इस यहीं से होते हुए अब हम चलते हैं टेरेस पे। अब बेस्ट पार्ट जो होने वाला है दोस्तों, 2 फ्लोर आप और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आप यहाँ की फ्लोरिंग देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत सी हमने यहाँ पे फ्लोरिंग की हुई है, जिसमें आप अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका खुद का अपना घर होने वाला है दोस्तों। तो ये घर लेने के लिए अब मैं आपको आसपास की मार्केट आपको आसपास मिल जाती है, ई रिक्शा फैसिलिटी मिल जाती है, नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन, दोनों मेट्रो स्टेशन की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो अगर आप ये फ्लैट या ये इंडिपेंडेंट हाउस अपना देखने में इंटरेस्टेड हैं, साइट विज़िट करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करिए, साइट विज़िट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी साइट विज़िट है। आइए देखिए और पसंद आए तो इसको खरीद लीजिए, अपना मनपसंद जड़ से बना हुआ इंडिपेंडेंट हाउस। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।